नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ दीपक वर्मा, स्वागत है आपका स्केचेट ट्यूटोरियल नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज आपको बताने वाला हूँ शॉर्टकट्स के बारे में कि स्केचअप में कौन कौन से शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं और कैसे अपने शॉर्टकट्स को आप अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका जैसे मेन टूल बार था, ये कुछ एक चार्ट है जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ये चार्ट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी ऑप्शंस लिखे हुए हैं और सभी शॉर्टकट्स आपके लिखे हुए हैं। यहाँ पे है सिलेक्ट के लिए क्या यूज किया हुआ है, स्पेस बार। अगर आप स्पेस बार देखोगे कीबोर्ड आपका, अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हो तो आपका सिलेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं स्पेस बार की हेल्प से। इसी तरीके से पेंट बकेट के लिए इसने शॉर्टकट दिया हुआ है बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी लिखा हुआ है। तो अगर आप बी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पेंट बकेट पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, पेंट बकेट टूल पे अगर आप बी प्रेस करते हैं। अगर आप ई प्रेस करते हैं तो आप इरेजर टूल पे आ जाएंगे, अगर आप यहाँ पे ई प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे इरेजर टूल पे आ जाएंगे। मैं यहाँ से इसको टॉप करता हूँ। उसके बाद अगर आप एल प्रेस करते हैं, लाइन के लिए शॉर्टकट यहाँ पे गिवन है एल, अगर आप एल प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन कमांड स्टार्ट हो जाएगी। रेक्टेंगल के शॉर्टकट गिवन है आर, अगर आप आर प्रेस करेंगे तो आपका रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं सर्कल के लिए सी, टू पॉइंट आर्क के लिए ए आप यूज कर सकते हैं, मूव के लिए एम है, पुश पुल के लिए पी है, यहाँ पे स्पेस बार है आपका स्पेस सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद क्यू फॉर रोटेट है, एफ फॉर ऑफसेट आप यूज कर सकते हैं, स्केल के लिए एस है, टेप मेजरिंग टूल के लिए आप यहाँ से टी यूज कर सकते हैं, ऑर्बिट के लिए आप ओ यूज कर सकते हैं, पेन के लिए एस, जूम के लिए जेड। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्टकट्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको शॉर्टकट्स अगर आपको खुद के क्रिएट करने हैं तो आप उन शॉर्टकट्स को कैसे क्रिएट कर पाएंगे। मान लो मेरे को फ्री हैंड के लिए कोई शॉर्टकट चाहिए, और फ्री हैंड के लिए यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, फ्री हैंड के लिए मेरे को शॉर्टकट बनाना है तो उसके लिए आप विंडो पे क्लिक करें और यहाँ पे जाएं प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स का एक विंडो मिलेगी, यहाँ पे शॉर्टकट है, यहाँ पे आपकी सभी टाइप्स की कमांड है, सभी टाइप्स के टूल है जो आप यूज करते हैं। मान लो मेरे को फ्री हैंड के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे करें फ्री हैंड। देखो फ्री हैंड के लिए यहाँ पे असाइंड है क्या एन, जो मैंने यहाँ पे असाइंड किया था, अगर मैं रिसेट करूंगा तो यहाँ से एन हट जाएगा। मान लो फ्री हैंड के लिए आप असाइन करना चाहते हो कोई शॉर्टकट, मान लो इरेजर के लिए ई है और मैं फ्री हैंड के लिए भी ई असाइन करूंगा और प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को एक वार्निंग देगा, ई इज करंटली यूज्ड बाय टूल इरेजर, वुड यू लाइक टू री असाइन ई टू ड्रॉ लाइन और फ्री हैंड, ये ऑलरेडी यूज्ड है इरेजर के लिए, क्या आप इसे रीअसाइन करना चाहते हो फ्री हैंड के लिए भी, तो आप इसे नो करें। आप इस ऐसा कोई शॉर्टकट यहाँ पे डाल सकते हैं जो यूज नहीं है। तो एन मैंने डाला, प्लस पे क्लिक किया, इजिली आपका एन आ गया यहाँ पे। अगर आप यहाँ से ओके कर देते हैं, अब आप यहाँ पे एन प्रेस करते हैं तो फ्री हैंड पे आप यहाँ से शॉर्टकट देख पाएंगे, फ्री हैंड हो गया आपका, फ्री हैंड के लिए आप यहाँ से एन यूज कर सकते हैं। उसके बाद है दोबारा प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, मान लो मेरे पास लाइन के लिए एल है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन तो लाइन के लिए मेरे पास एल है ऑलरेडी, मैं लाइन के लिए एक और शॉर्टकट यूज करना चाहता हूँ, मान लो मैं शॉर्टकट यूज करना चाहता हूँ कोई के, अब के है ये भी बुक है, मैंने आई किया, आई भी यूज्ड है। अब मान लो इस तरीके से आपके यूज्ड है शॉर्टकट तो आप शिफ्ट या कंट्रोल या अल्ट के साथ भी कर सकते हो, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस करके भी या अल्ट के साथ भी। मान लो मैं शिफ्ट प्लस एल चाहता हूँ लाइन के लिए, तो मैंने प्रेस किया शिफ्ट प्लस एल एंड प्लस, तो ये आपका साइन हो गया, ओके करोगे। अब अगर आप शिफ्ट के साथ एल प्रेस करोगे तो आपकी लाइन कमांड यहाँ से चूज हो जाएगी, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक कमांड के लिए आप दो दो शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं, मान लो ऑर्बिट के लिए आपको ओ है यूज करना, अगर आप यहाँ पे पेन के लिए आप देखेंगे एच है यहाँ पे, नेक्स्ट कैमरे के लिए कोई असाइन नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं कि क्या असाइन करना है मेरे को नेक्स्ट कैमरा के लिए। और उसके बाद है आपका कि मान लो आपने ये सारी चीजें असाइन कर ली, यहाँ से आप यहाँ से देख रहे हैं कि आई किसके लिए है मेरे यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिलीट के लिए है तो डिलीट असाइन किया गया है, हाइड के लिए कुछ शॉर्टकट नहीं है, मान लो मैं हाइड करने के लिए शॉर्टकट यूज करना चाहता हूँ कंट्रोल प्लस एच,
तो मैंने डाला यहाँ पे असाइन कंट्रोल प्लस एच, और यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक किया एंड ओके। अब आप मान लो यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को मेरे को हाइड करना है, तो आप इसे डबल क्लिक करके प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एच, ये आपका हाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके आप अपने शॉर्टकट्स अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपने अपने तरीके से शॉर्टकट्स इतने क्रिएट किए हैं, आप सबके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और आप अपने तरीके से शॉर्टकट्स को यूज कर रहे हैं, तो उन शॉर्टकट्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि आप अगर किसी और कंप्यूटर पे काम करेंगे, किसी और स्केचअप पे काम करेंगे, या आप स्केचअप को रीइंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको सेम शॉर्टकट्स वहां पे चाहिए, तो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लो मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ, कीबोर्ड को मैं मिनिमाइज करता हूँ, एक्सपोर्ट किया मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे, और प्रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे यूज किया स्केचअप शॉर्टकट्स एंड एक्सपोर्ट। अब मान लो आप न्यूज पे हो, आप यूज कर रहे हो, आपको दोबारा से वो शॉर्टकट्स चाहिए, तो प्रेफरेंसेस पे जाएं, इंपोर्ट पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, और इसको आप यूज करके ये .dat फाइल में आपकी सेव हो जाएगी। आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं और आपके सभी शॉर्टकट्स से अगेन वही आ जाएंगे जो आपने सेट किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं, आप अपने शॉर्टकट खुद के क्रिएट कर सकते हैं, और जितने भी यहाँ पे टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, हर एक चीज के आप सिंगल सिंगल डबल डबल या तीन तीन शॉर्टकट्स भी आपने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे जाएं, इससे रिलेटेड और वीडियोस आप देख सकते हैं, स्केचअप के रिलेटेड, रेविट से रिलेटेड, और बहुत अच्छे वे में आप सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, तो हर एक टॉपिक पे मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो प्लीज आप जाएं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर करना दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक मेरा एक और चैनल है टेक गुरु, अगर आप टेक गुरु पे जाते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आप लैपटॉप और कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी कितनी सारी वीडियोस यहाँ पे मिलेगी, जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से टेक्निकल चीजों को सीख सकते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर या मोबाइल से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए और भी चीजें लेके आने वाला हूँ, स्केचअप से, होम प्लान से रिलेटेड, या फिर अदर चीजों से रिलेटेड भी मैं आपसे स्केचअप पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू सो मच।